रानी मुड़ी मसेन और कसोप चक्रधरपुर टाटा झारखंड। देखिए ये कढ़ाई मशीन में चावल किस प्रकार गर्म हो रहा है। बहुत आदमी फोन में बोलता है कि भैया अगर कढ़ाई मशीन में चावल गर्म करेंगे और रोस्टर में मुड़ी बनाएंगे तो दो जगह में लकड़ी जलेगा तो ज़्यादा खर्चा होगा। ये सवाल बहुत आदमी करता है फोन में, तो इस सवाल का मैं आज आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा, क्लियर करूंगा, आपको समझाऊंगा। देखिए भैया होता क्या है, एक बोरा मान के चलिए, एक बोरा चावल को आप गरम करके अगर आप मुड़ी बना रहे हैं रोस्टर में तो आपका कितना रुपया का लकड़ी खर्चा होगा। मान के चलिए 100 रुपया का खर्चा हो रहा है कढ़ाई मशीन में। तो दोस्तों अगर आप कढ़ाई मशीन में चावल गरम करके रोस्टर मशीन में आप अगर मुड़ी बना रहे हैं तो आपका 100 रुपया से भी कम खर्चा होगा दोनों मशीन का मिला के जोड़ के। क्यों कैसे, कढ़ाई मशीन में अगर आपको मुड़ी बनाना है तो चावल को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है और उसमें टाइम लगता है। अगर आपको रोस्टर में मुड़ी बनाना है तो चावल को हल्का गर्म करना है, 1 घंटा में आपका 2 क्विंटल चावल गर्म हुआ। तो 1 घंटा में 2 क्विंटल जब चावल आपका गर्म हो रहा है तो और 1 घंटा में मुश्किल से 40 से 50 रुपया का ही लकड़ी आपका खर्चा होगा। तो आप एवरेज आप हिसाब निकाल लीजिए खुद से कि एक बोरा में कितना रुपया का लकड़ी आपका खर्चा हो रहा है। मुश्किल से 20 रुपया का खर्चा होगा, 20 से 30 रुपया का खर्चा होगा, उससे ज़्यादा आपका लकड़ी का खर्चा कभी नहीं होगा एक बोरा चावल को गर्म करने में। और रोस्टर में मुड़ी बनाने में 1 घंटा में 2 क्विंटल मुड़ी आपका बनता है। तो और 1 घंटा में उसमें कितना आपका लकड़ी खर्चा होता है, उसमें भी 100 रुपया का लकड़ी खर्चा होता है। तो एक बोरा का आप निकाल लीजिए वही 25-30 रुपया। तो दोस्तों चावल गर्म करने में आपको 25-20 रुपया लकड़ी का खर्चा हो रहा है, तो मुड़ी बनाने में 25 रुपया का लकड़ी खर्चा हो रहा है, तो 25 और 20 कितना हो गया 45। हम उससे और थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ा देते हैं तो 60 से 70 रुपया में आपका लकड़ी का खर्चा होगा एक बोरा में, उससे ज़्यादा आपका लकड़ी का खर्चा कभी नहीं होगा। तो ठीक है, इस प्रोसेस में अगर आप काम कीजिएगा तो आपका क्या होगा कि आपका मुड़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। कढ़ाई मशीन में चावल गर्म कीजिएगा, एक में नमक पानी मिलेगा, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा नमक पानी मिलाने में, और 3 में चावल गर्म होगा और रोस्टर मशीन में मुड़ी बनाइएगा। बहुत आदमी बोलता है कि नहीं भैया ड्राई मशीन लेंगे सस्ता कम दाम है। भैया कम दाम में आप मत जाइए, हम तो आपको बोलेंगे कि कम दाम में आप कभी मत जाइए, क्योंकि सस्ता सस्ता बार बार महंगा एक बार। तो आप एक बार अगर आप कढ़ाई मशीन लगा लीजिए, कढ़ाई जो आता है 1 इंची मोटा पूरा हेवी में आता है, तो कढ़ाई मशीन में कितना अच्छा काम होता है हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। 4 कढ़ाई इसलिए हम लोग 4 कढ़ाई मुड़ी मशीन बनाते हैं कि एक कढ़ाई में आपका नमक पानी चावल डाल दिए, नमक पानी डाल दीजिए, उसके बाद क्या होगा कि आपका चावल अपने आप मिल जाएगा मशीन मिला देगा। और ड्राई मशीन में क्या होता है कि आपको हाथ से नमक पानी दे के चावल को मिलाना पड़ता है, तो ये आपका बहुत झंझट है। जैसे आपको एक बार में 10 बोरा 15 बोरा मुड़ी बनाना है, 8 बोरा 6 बोरा बनाना है, आप कितना चावल को मिलाते रहिए। तो इसलिए आप कढ़ाई मशीन ही लीजिए, कढ़ाई मशीन ही मुड़ी मशीन ही हो गया। आपका रोस्टर कभी भी कुछ हो जाएगा तो आप कढ़ाई मशीन में भी आप मुड़ी बना सकते हैं। ठीक है, आपका 2 प्रकार का मशीन हो, और ड्राई मशीन ही मशीन नहीं हुआ। ड्राई मशीन सिर्फ चावल गर्म करने का काम करता है, कढ़ाई मशीन क्या काम करता है, नमक पानी को मिलाता है,
चावल को गर्म करता है, मुड़ी बनाता है, तीन काम करता है। एक मशीन तीन काम। ड्राई मशीन में सिर्फ आप खाली चावल गर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, अच्छा रहे।